फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस ज़रूर किया होगा। इस प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं। आपका सीपीयू फैन के कारण भी ये एरर आ सकता है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम सीमोस बैटरी की वजह से आती है। तो इससे क्या होता है कि आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो टाइम है और डेट है वो बार बार चेंज हुई मिलती है, और आपकी जो सारी सेटिंगें होती है, बायोस सेटिंग वगैरह, वो सभी चेंज हो जाती है बार बार। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें इस बैटरी की आवश्यकता होगी, जो मार्केट से बड़ी ही आसानी से मात्र 10 रुपये में मिल जाती है। तो मैं इस बैटरी को इंस्टॉल करने का तरीका आपको सिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में भी यही एरर आया हुआ है। ये देखिए, सीमोस फेल, प्रेस F2 टू डिफ़ॉल्ट एंड कंटिन्यू। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के सभी वायर्स को डिसकनेक्ट कर लूँगा, पावर केबल, VGA केबल, माउस की वायर और जो कीबोर्ड है उसकी वायर। इसको डिसकनेक्ट करने के बाद इसको जो इसका केस है, इसका ढक्कन है, इसको हम इसे अलग कर लेंगे स्क्रू खोल के। ये मैंने स्क्रू खोल दिए और मैं इसको हटा के इसको थोड़ा सा टेढ़ा रख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई है ये हमारी सीमोस बैटरी। जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अब इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर या एक चिमटी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है, वो लॉक हटाना पड़ेगा तभी ये बाहर आएगी। ये देखिए, चिमटी की सहायता से मैं इस लॉक को हटा दूंगा और ये एक सिरा इसका बाहर निकल आएगा। फ्रेंड्स, हम इस बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। इसकी जगह हमें एक नई बैटरी इंस्टॉल करनी होगी। ये मेरे पास नई बैटरी है, इसको इंस्टॉल करने के बाद मेरा कंप्यूटर है जो बिल्कुल ओके चलेगा। फ्रेंड्स, हमारा इंटरनेट है जो कई बार वो भी इसकी वजह से नहीं चलता है, क्योंकि सीमोस बैटरी ख़त्म होने के कारण हमारी जो डेट एंड टाइम है वो अपने आप चेंज होती रहती है, और नेट चलने के लिए जो डेट एंड टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी सीमोस बैटरी है जो 3 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। हम इसका एक सिरा इसके अंदर रखेंगे और जो दूसरा सिरा है वो उठा हुआ होना चाहिए लॉक वाली साइड, और उस उठे हुए सिरे को हम अंगूठे की सहायता से नीचे प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे, और ये लॉक अपने आप लग जाएगा। तो हमारी बैटरी है जो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इस सीपीयू का ढक्कन बंद करके सभी तारों का कनेक्शन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सीपीयू की सभी तारों का कनेक्शन कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर है जो बिना F2 मांगे ही बड़ी आसानी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम थी जो वो 100% सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।